तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? स्क्यूनेस, पॉजिटिव नेगेटिव और नो स्क्यूनेस यानी सिमेट्री के बारे में पढ़ा था कि किन केसेस में स्क्यूनेस होता है और कब कब स्क्यूनेस नहीं होता और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे, स्क्यूनेस के दो मेथड होते हैं, कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड बाउलेज मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। देखो कैसे, कार्ल पियर्सन के अंदर स्क्यूनेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। मीन माइनस मोड इज लाउड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वॉइस प्रॉब्लम है, एक मिनट बेटा, आवाज ठीक है? अब देखो चेक करो बेटा, हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर बेटा? एक बार चेक करो, आई थिंक अब ठीक से आवाज आ रही होगी। कमेंट करो बेटा। ओके ओके फाइन। सो स्क्यूनेस के लिए मीन माइनस मोड करते हैं और इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बट हर बार ये फॉर्मूला नहीं लगता, हर बार ये फॉर्मूला नहीं लगता। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल मोड अगर हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल मोड्स हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल मोड्स हैं या फिर अनइक्वल क्लासेस हैं तो आपके ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे बेटा। उस केस में फॉर्मूला लगेगा, देखो यहां से, उस केस में स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला लगेगा थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन, थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला लगेगा थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक आपको क्लियर है कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अच्छे से समझ लो। देखो नॉर्मली आपका फॉर्मूला ये लगेंगे दोनों, कार्ल पियर्सन के अंदर स्क्यूनेस के लिए मीन माइनस मोड और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल मोड्स होते हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आपको दो हायर फ्रीक्वेंसी दिखेंगी। ऐसे केसेस के अंदर या फिर आपके क्लासेस अनइक्वल नहीं है, उन केसेस में आप फॉर्मूला ये डालोगे स्क्यूनेस के लिए थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन और कोएफिशिएंट स्क्यूनेस यानी इसके जे के लिए, दिस इज जे कोएफिशिएंट स्क्यूनेस, थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड जो हमारा मेथड होता है वो बाउलेज मेथड होता है। बाउलेज मेथड के अंदर स्क्यूनेस निकालने के लिए स्क्यूनेस, और यहाँ पर भी दो चीज़ें निकलेंगी, मल्टीपल मोड मीन्स आपके बेटा दो जगह हायर फ्रीक्वेंसी होंगी। जब फ्रीक्वेंसी वाले टेबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल मान लो एफ आई है ना, और यहाँ पर टू थ्री फाइव फाइव और इसके बाद बेटा देखो वन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हाईएस्ट पहले दो जगह दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है, दो जगह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि दो मोड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आपका फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, ये दो फॉर्मूले स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला लगेगा और कोएफिशिएंट स्क्यूनेस के लिए थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा। नेक्स्ट मेथड आता है बाउलेज मेथड। बाउलेज मेथड के अंदर, एक सेकेंड बेटा, Q3 plus Q1 माइनस टू टाइम्स मीडियन, Q3 प्लस Q1 दैट इज थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस टू टाइम्स M मीन्स मीडियन। ठीक है, रिमेंबर M मीन्स मीडियन। एंड इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए यानी कि J के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा क्या, Q3 प्लस Q1 माइनस टू टाइम्स मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। बेसिक फॉर्मूले इसके अंदर यही होते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन के दो टाइप के फॉर्मूले होंगे, कार्ल पियर्सन में एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और बाउलेज के अंदर सिंपल
एक ही फॉर्मूला है ये, है ना। स्क्यूनेस के लिए ये फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट स्क्यूनेस के लिए ये फॉर्मूला, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या चीज पूछी गई है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आप तरीके से कर सकते हो, राइट। तो आप कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे और इलस्ट्रेशन लेकर के हम लोग दोनों मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, अभी कराता हूँ। स्टार्ट करते हैं, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करनी। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, मेन कंटेंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड, यानी कि xi बोल देता हूँ सीधा मैं इसको, xi दिया हुआ आपको 120, फिर है 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 4, 5, उसके बाद 11, फिर 9, फिर 6, फिर 1, राइट। तो दिस इज द डेटा, आपको क्या करना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है इसके अंदर, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, दो चीजें निकालेंगे, स्क्यूनेस निकालेंगे पहले, एसके स्क्यूनेस निकालेंगे और इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, राइट। स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड, स्क्यूनेस इज मीन माइनस मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि जे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एक सेकेंड बेटा, दिस इज स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। तो आराम से निकाल लेंगे, पहले मीन निकालते हैं। अब मीन निकालते समय एक चीज ध्यान से देखो, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। लेकिन अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मीडियम नहीं, इनमें नहीं करना पड़ता बेटा, इनमें मोड से ही करना पड़ता है, ठीक है, मीडियम से नहीं करना होता इसके अंदर। लेकिन अगर मैं देखो एफ आई एक्स आई करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएंगे वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, लाइक 122, 240, इस तरह के नंबर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से हम लोग मीन निकालेंगे। और फॉर्मूला जो है मीन निकालने का वो ये होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। नाउ यहाँ पर एक्स आई के अंदर ए क्या होगा, ए इज एज्यूम मीन, तो मैं मोस्ट मिडिल वैल्यू ले लेता हूँ, मोस्ट मिडिल वैल्यू इज दिस, आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं ले रहा हूँ मोस्ट मिडिल वैल्यू, दैट इज 160 आपका ए हो गया, ठीक है, ए इज 160। इसके बाद क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे, डी आई निकालने के लिए क्या करते हो, एक्स आई माइनस ए करेंगे। आप बताओ एक्स आई माइनस ए क्या आ रहा है, 120 माइनस 160 कितना हुआ, 120 माइनस 160 दैट इज माइनस 40, फिर 130 माइनस 160 दैट इज माइनस 30, फिर माइनस 20, फिर माइनस 10, फिर 0, फिर 10, 20, 30 एंड 40। इसके बाद कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का कॉलम बनेगा। तो 2 इंटू माइनस 40 दैट इज माइनस 60, माइनस 80, माइनस 90, माइनस 80, एक सेकेंड, माइनस 80, माइनस 50, 0, 90, 180, 180 अगेन एंड 40। एक बार चेक कर लो बेटा, चेक कर लो वैल्यू सही है कि नहीं है, 42 से 80, 33 से 90, 24 से, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा आपको, इन सबका सम करेंगे और एफ आई का भी सम करेंगे,
एक बार बताओ एफ आई का सम करने पर कितना आ रहा है आपका? एफ आई को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? चेक करो बेटा, 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 5 = 14, 14 + 11 = 25, 25 + 6 = 31, 31 + 1 = 32, 32 + 18 = 50, 50 is σFI. फ्रीक्वेंसीज का सम बिल्कुल सही बेटा, 50 आपका भी आया, वेरी गुड. तो यहां पर लिखेंगे A is 160, सिग्मा एफ आई डी आई इज, ये करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई. जब ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे ऐड? देखो माइनस 80 है और कहीं प्लस 80 नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम. तो ऐसे केस में प्लस के नंबर्स को अलग ऐड कर लो, दैट इज 90 + 180, फिर 180 एंड देन 40, इन सबको अलग ऐड कर लो तो कितना आएगा? चेक करो, 0, 390 आया बेटा, 390 पॉजिटिव वैल्यूज आ गई. ऐसे ही जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी ऐड कर लो, -80, -90, -80 एंड -50, ऐड करने पर कितना आएगा? -300. ठीक है, तो -300 + 390 आपका बन जाएगा 90, राइट? दिस इज 90, तो यहां पर 90 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इज 50, यहां पर 50 पुट कर देंगे तो 90 को 50 से डिवाइड करने पर 00 कट जाएगा, यानी कि 160 प्लस व्हाट इज 9/5, 9/5 इज सिंपली कितना होता है 9/5, 5 × 5 and 5 × 8 = 1.8. तो आपका 161.8 क्या आया? दिस इज मीन. ठीक है, मीन बहुत आराम से आ गया, ये चीज आ गई. अब मोड बताओ क्या होगा इसके अंदर, मोड क्या होगा चेक करके बताओ, मोड क्या होगा? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर लाई कर रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 11, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 11, और उसका जो एक्स आई है वो 160 है, इसका मतलब आपका जो मोड है वो 160 हो गया, राइट? 160 इज द मोड, एग्जैक्टली बेटा मोड क्या आया? 160 मोड आ गया. तो आपको निकालना है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस कितना होगा इसका? एक्स बार यानी कि मीन, मीन माइनस मोड, 161.8 - 160 माइनस करने पर कितना आएगा? 1.8, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसके अंदर. क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस है, क्लियर? इसके बाद हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अभी आपके पास मीन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैं साइड में कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखते रहना. ठीक है, हमने अभी क्या निकाला? हमने निकाला मीन, मीन कितना था लिख लेते हैं, 161.8, और इसके बाद मोड कितना है? मोड है 160, हमने निकाल लिया, हमने स्क्यूनेस निकाला, 1.8 आया, स्क्यूनेस इज 1.8, दैट इज पॉजिटिव. निकालने के बाद अब निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर साइड में करने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिए. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई बोल दो उसको, चलो, अपॉन एन होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, राइट? तो पहले डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर मतलब इस डी का स्क्वायर करना है आपको. ठीक है, तो एक सेकेंड, एक काम करते हैं, एफ आई डी आई की जरूरत पड़ेगी? 90 है, कोई बात नहीं, रख देते हैं, जो हम निकल चुका है उसको डाल दो. देखो सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास 90 है, 90 रख दो, और एन कितना है? एन आपके पास 50 है, तो 50 यहाँ पर रख दो, होल स्क्वायर. ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर देखो एन कितना है? 50 है, रख दो. सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, है ना? सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, उसको निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एफ आई डी आई है और हमारे पास डी आई है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, हमसे ना एफ आई डी आई का स्क्वायर आ जाएगा, राइट? तो एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं एफ आई डी आई का स्क्वायर, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, 3200, 2700, 1600, 500
जीरो, 900, 3600, 5400 एंड 1600, इन सबको मैं ऐड करूंगा, राइट, इन सबको ऐड करूंगा, तो आप लोग चेक कर लो कितना आएगा, 3200, 2700, 1600, 500, 900, 3600, 5400 एंड 1600 को ऐड करके कितना आता है, एक बार आप कर लो बेटा, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लो। वन नाइन फाइव जीरो जीरो, एक बार आप चेक करना बेटा, 19500 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, 19500, क्लियर। तो यहां पर देखो क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और 1950 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 3 15, 5 9 45, 0 एज इट इज। और यहां पर देखो क्या आएगा, 0 0 गया, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 390 में से 81 अपॉन 25 को माइनस करना है, 190 आएगा 90 की जगह, एक सेकेंड बेटा, 190 आएगा 90 की जगह, बेटा ये चेक कर लो एक बार, कैसे बेटा, कैसे 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 कैसे, सिग्मा एफ आई डी आई 90 है बेटा मेरा, सिग्मा एफ आई डी आई 90 आया मेरा, बाकी चेक कर लेते हैं दोबारा से, 360 प्लस 40 400, 400 प्लस 90 490 है ना, 490, अच्छा 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 360 प्लस 40, हाँ बेटा सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये 190 आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, गुड बेटा, तो एफ आई डी आई आपका 190 आ रहा बेटा, ये बच्चे ने सही बोला, ये 190 है, राइट, 190 अपॉन 50 का होल स्क्वायर, तो 00 गया, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 5 का स्क्वायर होता है 25, क्लियर, 390 माइनस 361 अपॉन 25 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप बताओ कितना आएगा, 360 को 25 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना बहुत ईजी है, पहले मैं 361 को 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा ताकि डिनोमिनेटर में 100 बन जाए, 390 माइनस 361 को 4 से, ओके बेटा कर लिया आपने, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 14.44, बिल्कुल सही, 14.44 बिल्कुल सही बेटा, तो 390 में से 14.44 माइनस करेंगे, ठीक है, 390 में से 14.44 माइनस करेंगे, 375.56 आया मेरा, 375.56 को अगर मैं अंडर रूट निकालूं, अगर मैं अंडर रूट निकालूं तो बेटा कितना आएगा, ये कुछ आपका आएगा, देखो इसका अंडर रूट निकालना बेटा, आप कैलकुलेटर पर कर लो फिलहाल, 375.56 का अंडर रूट कितना होता है, 19.38, वेरी गुड बेटा, 19.38 आपका ये क्या आया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए यानी जे के लिए, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना है इसका, मीन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 161.8 माइनस 160 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.38, और इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करेंगे, 161.8 में से अगर मैं 160 माइनस करूं तो कितना आएगा, 1.8 डिवाइड बाय 19.38, कैलकुलेशन करो फटाफट, व्हेन 1.8 इज डिवाइडेड बाय 19.38 व्हाट वी गेट, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, 0.2 अप्रॉक्सीमेटली आने वाली है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आपका, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.2, आप चेक करो कि आपका कितना आ रहा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आप चेक करके बताओ कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आई थिंक 163.8 आएगा, 160.8 की जगह,
163.8 आएगा, 163.8 आएगा, एक सेकेंड बेटा, 160.8 की जगह क्या आएगा, 163.8 आएगा। ओके बेटा, 163 मैंने लिख दिया तो 3.8 बन गया, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये 0.20 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना ठीक से, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.20 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे और डिफरेंट तरीके से हम करेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर टू कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर टू बेटा, 0.2 का मतलब क्या होता है, 0.2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर टू, एग्जाम्पल टू बोल दो कोई बात नहीं, तो बुक से शायद मैच ना करे, तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है बस क्वेश्चन करते जाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, आपको स्क्यूनेस निकालना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन के मेथड से आपको स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है 0.? बेटा 0.20 अगर आपका 0.20 आ रहा है दैट इज पॉजिटिव, लेकिन अगर माइनस करते समय आपका माइनस 0.20 आ गया तो दैट इज नेगेटिव, है ना। ऑफ कोर्स 0. माइनस में 0.20 आएगा तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 4 - 2 तो ये पॉजिटिव है, ऐसा आएगा पक्का, लेकिन अगर मान लो गलती से 2 - 4 आ गया तो इसका मतलब -2 होगा, तो नेगेटिव आपको दिखाएगा, है ना। डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैल्यूज कैसी हैं, तो अगर नेगेटिव आएगा नेगेटिव बोल देना, पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव बोल देना। अगर ऐसा आता है 0.002 ऐसा कुछ आता है तो इट इज जस्ट पॉजिटिव, है ना, जस्ट पॉजिटिव, जीरो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा है 0.002, तो जस्ट पॉजिटिव बोलेंगे इसको, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें हमें करना पड़ेगा स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वहां पर क्लासेस दी हुई है, दैट इज क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। यहां पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई नंबर ऑफ कंपनीज, ऐसा तो फ्रीक्वेंसीज 5, 20, 40, 25, 6, 4। ध्यान रखें इस बात का कि यहाँ पर ये क्लास इंटरवल सीरीज है और यहाँ पर मोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिना फॉर्मूले के मोड नहीं आएगा, रिमेंबर, ठीक है। तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पॉजिटिव का नेगेटिव देखेंगे बेटा, पॉजिटिव का नेगेटिव मतलब अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव है पॉजिटिव ले लेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन करते हैं देखते हैं कैसा आता है ना। देखो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ निकालनी पड़ती है कार्ल पियर्सन के अंदर बताओ। एक तो निकालना पड़ता है मीन, एक निकालना पड़ता है मोड और एक निकालना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं मीन, सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, सबसे पहले हम मीन निकाले आ रहे हैं। ध्यान से देखो, पहले एक्स आई कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स आई के लिए अगर जीरो आया तो ऐसा पूछा, अच्छा ओके, जीरो अगर आ जाए तो बेटा वहां पर स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं होगा, वहां पर बोलेगा सिमेट्री है वो, है ना, जीरो मतलब सिमेट्री, नो स्क्यूनेस, क्लियर, स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, स्क्यूनेस बिल्कुल भी नहीं होगा उसके अंदर, सिमेट्रिकल डेटा होगा, मतलब उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा वाला, ऐसा बनेगा, ठीक है, जीरो स्क्यूनेस बेटा वाला, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं हम लोग एक कार्ल पियर्सन से ऐसा क्लास इंटरवल सीरीज का क्वेश्चन करने वाले। तो पहले हम निकालेंगे मीन, मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखते हैं, पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे, 0 to 20 का मिड वैल्यू होगा 10, यहां पर 30,
यहाँ पर 50, यहाँ पर 70, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 110. क्लियर? मैं मीन निकालूंगा किससे? शॉर्टकट मेथड्स निकालूंगा, स्टेप डिविएशन मेथड्स निकालने वाला हूँ. मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. इससे भी कर सकते हो. और एक और मेथड होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू सी से भी कर सकते हैं. जिस मर्जी से कर लो, मीन आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा. मीन हमेशा एक जैसा आएगा आपका. ठीक है, तो करते हैं हम लोग, मीन निकालेंगे पहले और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. तो पहले एफ आई एक्स आई कर लें क्या? नहीं, इससे करेंगे, इससे. तो ए क्या होगा इसके अंदर, बताओ ए क्या होगा? कमेंट करो बेटा फटाफट. एक्स आई के कॉलम में से कौन सा मैं ए लूं जिससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए? तो मेरे ख्याल से मुझे लेना चाहिए 50, दैट इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू. 50 लेने से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा. राइट, बिल्कुल सही. तो डी आई निकालेंगे. डी आई के लिए आप देखो, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा. 10 माइनस 50 इज माइनस 40, माइनस 40. 30 माइनस 50 इज माइनस 20. 50 माइनस 50 इज 0. 70 माइनस 50 इज 20. 90 माइनस 50 इज वॉट? 40. एंड देन 110 माइनस 50 इज 60. ठीक है, अब यहां पर 50 के 70 भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा. राइट, तो मैं ये फॉर्मूला डाल रहा हूं इसके अंदर, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. क्लियर, तो एफ आई डी आई कर लेते हैं पहले फटाफट. एफ आई डी आई कर लेते हैं. एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 200. 20 को 20 से करो माइनस 400. 40 को 0 से करो 0. 25 को 20 से करो 500. 6 को 40 से करो 240. 60 को 4 से करो 240. इन सबको ऐड कर लो और ऐड करके बताओ कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई डी आई. करते हैं बेटा, 240 प्लस 240 480. 480 प्लस 500. 480 प्लस 500 980. 980 तो बेटा प्लस करके आया ना. अब माइनस 600, माइनस 600 करने पर आपका ये आएगा 380. 380 इज टोटल ऑफ एफ आई डी आई. क्लियर, इसके बाद मैं सिग्मा एफ आई करूंगा. सिग्मा एफ आई आप बताओ जो कितना आ रहा है आपका सिग्मा एफ आई? 380 आ रहा है. हाँ 380 है. हाँ राइट राइट, 380 है बेटा. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा. 380 इज द टोटल ऑफ वॉट? एफ आई डी आई. अब एफ आई को टोटल करेंगे, करो ऐड. एफ आई का टोटल कितना आ रहा है? 25 और 25, 50, 40, 90 प्लस 10, 100. एफ आई का टोटल 100 आ रहा है. क्लियर, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फटाक से मीन निकाल दूंगा जल्दी से. मीन निकालने के लिए क्या करना है आपको? ए की वैल्यू डालनी है. ए आपका 50 है. सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 380 है. और सिग्मा एफ आई आपका 100 है. इनको डालने से 0-0 कट हो गया. 50 प्लस 3.8, 38 को 10 से डिवाइड करने पर 3.8, 53.8 आपका आया मीन. तो मीन कितना है बेटा? दिस इज 53.8. 53.8 हमने मीन निकाल लिया. अब निकालेंगे मोड. ठीक है, अब मोड निकालेंगे. ठीक, मोड को एम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोड कैसे आएगा? आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं देखते हैं अभी. ठीक है, तो मोड कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करेगा एक बार देख लेते हैं. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, यानी कि 40 टू 60 वाली जो क्लास है वहां पर आपका मोड लाई करेगा. ठीक है, यहां पर आपका मोड लाई करेगा. क्लियर, ओके. इस वाले क्लास के अंदर आपका मोड लाई करेगा. ठीक है, मॉडल क्लास इज दिस, या लिख लो मॉडल क्लास, यहां पर मोड लाई करेगा. ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ वन ले लिया करो, इसको एफ वन ले लिया करो, और इससे पिछली फ्रीक्वेंसी को आप लिखोगे एफ जीरो, और इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को लिखोगे एफ टू. राइट, इसके बाद लिखेंगे मोड का फॉर्मूला. मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस
एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, एक सेकेंड इंटू सी। हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे थे, आपका कमेंट पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहे हो, मैं देखा नहीं बेटा। अगर आपने सर आपने सी क्यों नहीं लिया, ईजी होता है। हाँ बेटा सी लेने से ईजी होता है, कोई बात नहीं, बिना सी के भी आंसर सेम ही आएगा बेटा, है ना, चाहे सी लो या ना लो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। अभी मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ द क्लास, राइट। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है, चेक करके बताओ लोअर लिमिट क्या है इसके अंदर। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपको दिख रही होगी 40 है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 40 है, आप 40 यहां पर रख दोगे। F1 कितना है, F1 आप देख सकते हो F1 is 40, right 40 here, F0 is what, F0 is 20, right 20 here, 2F1 मतलब फ्रीक्वेंसी का डबल कर लो, दैट इज 80, F1 का डबल 80 है, F0 कितना है, F0 कितना है बेटा 20, एंड F2 क्या है, F2 आपके सामने दिख रहा है 25 into the size is 20, तो 40 plus 20 divided by 80 minus 20 is 60, 60 minus 25 is what, 60 minus 25 is 35 into 20, तो 40 में add कर लेंगे, ये कटता है तो काट भी दो उसको, जितना कटता है 5 से काटते हैं, 5 7 जा 5 4 जा 80 by 7 बेटा, 80 by 7 कितना होता है, 80 by 7 कितना होता है देख के बताओ, 80 by 7 कितना होता है, 80 by 7, 7 9 जा, एक सेकंड 7 1 जा कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, एंड 7 2 जा 14, 11.42, 40 plus 11.42, तो ये आपका आ जाएगा 51.42, 51.42 क्या हो गया, आपका मोड हो गया, तो यहाँ पर लिखो मोड इज इक्वल टू 51.42, ठीक है, 51.42 इज द मोड। थर्ड चीज जो हमारी रह गई है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अभी रह गया निकालने के लिए, तो अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक क्लियर है कि नहीं बेटा, कमेंट करके बताओ, अभी तक कोई डाउट तो नहीं आया आपको, कोई भी डाउट आया तो पूछ सकते हो, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा, क्योंकि इसके बाद मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, वेरी गुड बेटा, कोई भी डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो अभी हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज यहां पर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, करके दिखाता हूं, एक सेकेंड रुको बेटा, इसको रब करके फिर करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर करेंगे, इसी जगह पर करने वाले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक। अब मुझे डिवीशन मेरे पास है ऑलरेडी और एफ भी मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने सी से नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी स्क्वायर मतलब एफ वाले कॉलम को, या ऐसे करो एफ आई डी आई को डी आई से मल्टीप्लाई करने से मुझे एफ डी स्क्वायर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है यहाँ पर काफ़ी, एफ आई डी आई स्क्वायर, तो इंटू करते हैं इसको, तो कितना आएगा 8000, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, फिर से 8000 आ रहा है, थर्ड जीरो, फोर्थ 10000, फिर फिफ्थ क्या होगा बोलो, 9600 कर देते हैं, फिर इसके बाद आ रहा है 26 कितने होते हैं, चेक करो 26 कितने होते हैं, 14400। इन सबको ऐड करने से जो भी आपका आएगा वो आप यहाँ पर डालने वाले हो, n इज बेसिकली, n क्या है, n का सिग्मा कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 100 है, तो यहाँ पर आप 100 डालने वाले हो, ठीक है।
FIDI का स्क्वायर जो आपका है वो मुझे ऐड करना चाहिए था, अभी ऐड नहीं किया मैंने, करता हूँ। देखो जीरो का जीरो आ जाएगा, फिर जीरो फिफ्टी थाउजेंड बेटा, 50,000 अभी क्रॉस चेक कर लो एक बार कि क्या 50,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 50,000 मैं यहां पर डालने वाला हूं, 50,000 माइनस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी मतलब इसका टोटल 380 बाय एन इज 100, 100 डाल देंगे और इसका हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो दो जीरो कट रहे हैं तो क्या बना 500 माइनस, यहां से एक जीरो कट रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 38 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, 38 का स्क्वायर कर लेते हैं, 38 को 38 से मल्टीप्लाई करना है, 304 114, तो कितना आ गया 1444, 1444 डिवाइड बाय 100, तो यहां पर क्या होगा 500 माइनस 14.44, 500 में से 14, बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही, तो 500 में से 14.44 माइनस करो तो कितना आएगा चेक करो, 500 में से 14.44 हम लोग माइनस करेंगे, 500 में से 14.44 माइनस करेंगे, कितना आया 485.56। आप एक काम करो 485.56 का रूट बताओ कितना होता है, इसका अंडर रूट बताओ बेटा कितना होता है, इसका अंडर रूट कितना होगा एक बार करके दिखाओ, फोर एटी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स का अंडर रूट कितना होगा आप जल्दी से करके दिखाओ, ट्वेंटी टू पॉइंट जीरो थ्री, ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, बहुत इजी था राइट। इसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, सिंपली बस रिप्लेस करना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस के अंदर, स्क्यूनेस हम निकाल चुके हैं शायद से, नहीं स्क्यूनेस नहीं निकाला, तो अभी काम करेंगे स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट स्क्यूनेस यहां पर निकालने वाले हैं। ठीक है, स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के लिए फॉर्मूला है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, और स्क्यूनेस कोएफिशिएंट के लिए मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन माइनस मोड, मीन कितना था, मीन इज 53.8 में से 51.42 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस करके देखते हैं कितना आता है, 51.42 माइनस करना है तो ये आ गया आपका 2.38 is the मौलिक जैन। बेटा कैसे हो बेटा, मैं अच्छा हूँ बेटा, बढ़िया। तो 2.38 is coefficient of skewness. Now we are going to find coefficient skewness. ठीक है, this is skewness and this is coefficient skewness. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, mean minus mode जबकि पास 2.38 आ रहा था, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से, दैट इज 22.03 से डिवाइड कर लेंगे। आप लोग डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है डिवाइड करने पर, चेक करके बताओ बेटा डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 2.38 को डिवाइड करना है 22.03 से, करो बेटा फटाफट कितना आता है। आप ऐसे कर सकते हो, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे और यहां से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर भी 100 लगाओगे। ठीक है, 100 कट गया, ऐसा आ गया 238 डिवाइड बाय 2203। ठीक है, 0.11, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा निकाला है। तो स्क्यूनेस कोएफिशिएंट इज
0.11. Coefficient of skewness is 0.11. This is absolutely correct answer. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बेटा, बहुत अच्छा निकाला है। तो अब एक काम करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, धीरे धीरे हम इलस्ट्रेशन करेंगे बेटा, तो जितने मैक्सिमम हो सकेंगे हम उतना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा बोलो बोलो बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया था मतलब रिकॉर्डेड है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा देख लेंगे एक बार, देख लेंगे बेटा एक बार, देख लूँगा मैं, आपको बता दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब कराया मैंने, रिसेंटली नहीं कराया बेटा मौलिक, बेटा रिसेंटली नहीं कराया, हो सकता है पहले कभी किया होगा तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। इन द मीन टाइम अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम लोग लाइव भी कर सकते हैं उसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ओके बेटा। ओके, और क्वेश्चन करते हैं। क्लास इंटरवल है 11 टू 20, देन 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, एंड फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं, FI दिया हुआ है 2, 12, 25, 39, 12, 9, 1। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और ये क्लासेस दिए हुए हैं। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको इसको कंटिन्यूस बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको समझ रहे हो ना, 11 टू 20 यहाँ पर गैप दिख रहा होगा एक का, तो इसको सेम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको मीडियन और क्वार्टाइल नहीं निकालना, इसलिए ऐसे ही रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि मीन के लिए इस बार हम लोग सी का यूज करेंगे, कि आपने मुझे बोला था कि सर सी का यूज करो, तो इस बार हम लोग सी का यूज करने वाले, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इनटू सी। सी से आप बोल रहे हो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी होता है, तो ऑफ कोर्स जल्दी होता है। वन सम फ्रॉम सेक्शन एफ, सेक्शन एफ में से भी करेंगे बेटा, करते रहेंगे आस्ते आस्ते करेंगे बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जितना हो सकेगा पॉसिबल हम उतना करेंगे, राइट। तो अभी क्या करना है हमें, मीन निकालना है। तो मीन के लिए पहले हमें एक्स आई करना पड़ेगा ना, एक्स आई तो करना पड़ेगा, मिड वैल्यूज। तो 11 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 11 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, जल्दी बताओ बेटा फटाफट, 11 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 15.5 आएगा ना, दिस इज 15.5। ठीक है, इसके बाद 21 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 ये कितना होगा, 51 है ना, इसका अपॉन 2 कर दो तो 25.5 है ना, दिस इज 25.5, फिर 35.5, फिर 45.5, 55.5, 65.5, 75.5। यस बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे हमें क्या करना है, डी निकालना है, डी कितना होगा, हम इसमें सी का यूज करेंगे, तो यहां पर एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहां पर भी एक्स आई वाले कॉलम में से मोस्ट मिडिल वैल्यू हम लोग छांट लेते हैं, दैट इज 45.5 इज द मोस्ट मिडिल वैल्यू, क्लियर। और इसके बाद देखो 15.5 में से अगर मैं 45.5 माइनस करूंगा तो माइनस 30 आएगा, माइनस 30 बाय 10 इज माइनस 3, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 इस तरह का पैटर्न रहता है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न रहता है बेटा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 फिर 0। सर सी 10 कैसे आया बेटा, सी 10 ऐसे आया, ध्यान से देखो लोअर लिमिट का डिफरेंस देखो, फर्स्ट क्लास इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट 11 है और सेकंड के अंदर 21 है, इनका डिफरेंस 10 है। चाहो तो आप अपर लिमिट में चेक कर सकते हो, 20 और 30 का डिफरेंस 10 ही रहेगा, राइट। तो ये था बेटा तरीका,
अब यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, ए इज 45.5, सिग्मा एफ डी आपको निकालना पड़ेगा, FD एक कॉलम बनाना पड़ेगा, 2 3 6 -6, 12 2 24 -24, 25 -1 25 आ गया, इसके बाद 0 आ गया, 12 1 12 आ गया, 9 2 18 आ गया, 3 1 3 आ गया। इन सबको ऐड करने से कितना आता है आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा। जी मेंस के लिए अभी मैंने कोई प्लान नहीं किया बेटा, JEE मेंस के लिए कोई प्लान अभी नहीं है बेटा, ठीक है। केशव -22, केशव बोल रहे -22, कैसे रिलाई कर लूँ केशव का, मुझे करके देखना पड़ेगा। दिस इज 33, हो सकता है आप सही बोल रहे बेटा, 25 प्लस 6 31, 55, कितना बताया बेटा आपने, -22, बिल्कुल सही था केशव आपका, बिल्कुल सही था, -22 मेरे ख्याल से आपने कहा था, मुझे कमेंट पढ़ना होगा, -22 बिल्कुल सही बेटा। तो -22 डिवाइड बाय सिग्मा एफ कितना है बेटा, जल्दी से करो फटाफट, सिग्मा एफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना आ रहा है, चेक करो फटाफट, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना आ रहा है, जल्दी से करो बेटा फटाफट, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताओ बेटा फटाफट, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके कितना आ रहा है बेटा, आई थिंक कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का टोटल बेटा, 100 बताया आपने, वेरी गुड, 100 ही है बेटा, है ना। तो यहाँ पर 100, और इसके बाद यहाँ पर सी क्या है, 10 ले लिया मैंने, काटते हैं, 0 0 गया, 45.5 प्लस माइनस माइनस 22 बाई 10 कितना होता है, 2.2, तो 2.2 45.5 में से अगर मैं 2.2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा देखो, 3 3 4, तो ये आया 43.3। दिस इज आवर मीन, मीन कितना आ गया, मीन इज 43.3, क्लियर, बिल्कुल सही बेटा, 43.3 इज मीन। इसके बाद हम लोग निकालेंगे मोड, इसके हम निकालेंगे मोड बेटा, मोड निकालने वाले ध्यान से देखो, मोड का फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोड इन क्लास इंटरवल सीरीज। तो क्लास इंटरवल के अंदर आप चेक करो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39 है जो लाई करता है इस वाले क्लास के अंदर, ठीक है, 41 से 50 वाले क्लास के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो L आपका हो गया 41 प्लस F1 कौन सा होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी है ना ये, इसे आप F1 बोलते हो, इसे पिछली वाली को F0 बोलते हो और नेक्स्ट वाली को F2 बोलते हो, रिमेंबर। तो इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, F1 माइनस F0 39 माइनस 25, 2F1 78 माइनस F0 कितना है 25, माइनस F2 कितना है 12 इंटू 10, ठीक है। इस कैलकुलेशन करेंगे बहुत ध्यान से, 41 प्लस दिस इज 14, 78 में से 37 माइनस करो, 78 में से 37 माइनस करो कितना आएगा 41 बेटा, ठीक है 41 आया इंटू 10, यानी कि आपको क्या करना है 41 प्लस 140 बाय 41 करना है, 140 को 41 से डिवाइड करके आप बताओ कितना आ रहा है, 140 को 41 से डिवाइड करने पर 43.91, वेरी गुड बेटा 43.91, आपने कहा कि क्या आया मोड आपका आ चुका है, दिस इज 43.91, यहाँ लिखेंगे मोड, दिस इज 43.91। अब रह गया हमारे पास क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इसके बाद बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल सीरीज है तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, इन सब का अंडर रूट, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है।
तो मेरे पास अभी तक एफ डी स्क्वायर का कॉलम नहीं है, ठीक है, एफ डी स्क्वायर का कॉलम नहीं है, लेकिन जो है उसको फिलहाल पुट करते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ डी मेरा माइनस 22 था, माइनस 22 अपॉन एन मेरा 100 है, 100 पुट कर देंगे होल स्क्वायर, क्लियर। इसके बाद देखो यहां पर भी 100 आएगा, लेकिन सिग्मा एफ डी स्क्वायर मेरे पास नहीं है, एफ डी स्क्वायर यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम से इंटू करेंगे तो एक कॉलम और बन जाएगा, एफ डी स्क्वायर 6 3 18 लिख देंगे, 24 2 48 लिख देंगे, 25 1 25 लिख देंगे, फिर 0 0 0 12 1 12 18 2 36 3 3 9। तो एफ डी स्क्वायर का टोटल करके बताओ बेटा, कमेंट करो आपका कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है बेटा इसका, आया। इसके बाद जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1.48 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो 484 आता है ना, तो 4.84 आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, एक सेकेंड ऐसे करते हैं, 484 डिवाइड बाय 100 और फिर 100, राइट, तो ये बन जाएगा 1.48 माइनस कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसे बेटा, फिर से देखो 0. क्या आया था, वेट अ सेकेंड, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल लगेगा, 1.48 में से 0.0484 माइनस करने पर कितना आता बेटा, करो शाबाश केशव, आप कर रहे हो बहुत अच्छा, कर मैं देख रहा हूँ कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी आ रही है बेटा, 1.48 में से 1.4800 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.0484, माइनस करने से देखते हैं कितना आता है, वन पॉइंट फोर थ्री वन सिक्स का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आया बेटा 11.96, कितना बोला मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लो बेटा एक बार अच्छे से, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लो, यहां पर इनटू सी लगाना भूल गया, इनटू सी भी आएगा बिकॉज हम इसको सी से कर रहे हैं, इनटू सी भी आएगा बेटा, इनटू 10 बी आएगा, इनटू 10 बी सब जगह आएगा, तो इसका आंसर बेटा कैलकुलेट कर लेना आपसे खुद से कर लेना, तो मेरे को लगता है इसका आंसर 11.96 कुछ आया था, 11.96 कुछ आया था, तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 11.96। और इसके बाद आप आराम से स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हो, इट्स सो इजी, कोएफिशिएंट एंड स्क्यूनेस कोएफिशिएंट आराम से निकाल लोगे। हाँ जी बेटा कमेंट करो शाबाश, क्या बोल रहे थे बोलो, 11.96 बेटा बिल्कुल सही है, तो वैल्यूज निकालना बहुत इजी है, एक काम करते कर लेते हैं, आपको शायद डाउट था कि नेगेटिव क्यों आता है, तो वो डाउट आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा, वो डाउट आपका शायद यहां पर क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव क्यों आता है, ठीक है, मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका स्क्यूनेस कोएफिशिएंट नेगेटिव भी आने वाला है बेटा मेरे ख्याल से, निकाल लोगे ना, स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड 43.3 माइनस 43.91। देखो बेटा यहाँ पर बड़ा नंबर ये है ना, 43.91 में से 43.3 माइनस करेंगे तो 0.61 आएगा, 0.61 लेकिन नेगेटिव क्योंकि बड़ा नंबर 43.91 है, बिल्कुल बेटा, तो नेगेटिव स्क्यूनेस आ गया, आपको शायद डाउट था कि नेगेटिव स्क्यूनेस कब आता है और क्यों कैसे आता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कोएफिशिएंट स्क्यूनेस भी आराम से निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट स्क्यूनेस जे दैट इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऊपर तो यही आ गया आपका माइनस 0.61, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कितना आया था 11.96, तो 11.96 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ तो एक बार चेक करके बताओ बेटा कितना आ रहा है,
11.96 से डिवाइड करने पर मेरे ख्याल से इसका आंसर -0.05 के अप्रॉक्सीमेट आएगा। एक बार आप खुद भी कर सकते हो इस चीज़ को। तो -0.05 का मतलब क्या है? नेगेटिव तो है, इट इज जस्ट टू सिमेट्री, बिकॉज जीरो होने वाला है, देखो ना लग रहा है कि जीरो के आसपास ही है, तो इट इज जस्ट टू सिमेट्री। ऐसे लिखना भी सीखो, कंक्लूजन देना सीखो, बेटा नेगेटिव में है, नेगेटिव है 0.05 है ना, तो इट इज जस्ट टू सिमेट्री, यहां पर लिखो इट इज जस्ट टू सिमेट्री, मतलब स्क्यूनेस तो है लेकिन नेगेटिव है और बहुत कम नेगेटिव है, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ नया करते हैं बेटा इसके अंदर, और कैसे क्वेश्चंस आप बोल रहे थे वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि एक डेटा दिया उसने और बोलता है कि चेक करके बताओ कि कौन सा डेटा मोर स्क्यूड है, और डेटा कैसा बताता हूँ, आपके बुक में है आप देख लेना, मैंने जो नोट डाउन किया है उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ आपको, अब देख लेना क्वेश्चन कहां पर है बेटा एग्जैक्टली। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्रिकेटर ए एंड क्रिकेटर बी, इनका डेटा दिया हुआ है, हमारे पास मीन है, क्रिकेटर ए का मीन है 50 रन्स और इसका है क्रिकेटर बी का 35 रन्स। इसके बाद मोड दिया हुआ है, क्रिकेटर ए का मोड है 56, क्रिकेटर बी का मोड है 31, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका है 144 और इसका है 52, ठीक है, क्लियर। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्रिकेटर ए का फॉर क्रिकेटर ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर क्रिकेटर बी, ठीक है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, दैट इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां पर भी मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, एस दोनों पॉइंट पे बेटा, एस दोनों पॉइंट में भी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मीन कितना है, मीन है 50, मोड है 56 और स्टैंडर्ड डिविएशन 144 है, तो 50 में से 56 माइनस करने पर आपका आएगा -6/144, ठीक है, -6/144 आप काट सकते तो काट दो बेटा उसको, 6 1 6 6 2 12 और 6 4 24 है ना, ठीक है, तो -1/24, तो कैलकुलेट करके बताओ -1/24 कितना होता है। सिमिलरली अच्छा 14.4 है, ओके 14.4 है तो 14.4 कर देते, नो प्रॉब्लम, तो ये हो गया -6/14.4, कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं, पॉइंट हटाओ यहाँ से और ऊपर जीरो लगाओ, तो मैं इसको 12 से काट दूँ, 12 5s and 12 12s, 5/12 आया, -5/12 को डेसिमल फॉर्म में बताओ कितना आएगा, 5.2 है बेटा, ओके ओके 5.2 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, तो ये है बेटा 5/12 निकाल लो कितना आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, 5/12 से आंसर आ जाएगा 5/12, तो 0.12 4s are 48 12 1s are 12 0.41 कर लो, तो -0.41, दिस इज नेगेटिव स्क्यूनेस फॉर क्रिकेटर ए। अब क्रिकेटर बी की बात करते हैं, यहाँ पर है मीन, मीन है 35, मोड है 31 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.2, 35 में से 31 माइनस करो आपका 4 आएगा, 4/5.2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो लगाएंगे, किससे कटेगा 40/52, काटना चाहो तो किससे काटोगे बेटा, इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 10s are and 4 13s are 10 by 13 is 0.77 is the positive skewness for cricketer number B. तो किसका skewness ज़्यादा है, आप देख सकते हो skewness coefficient cricketer B का ज़्यादा है, because ये positive है और वैसे भी negative है,
तो सीधी सी बात है क्रिकेटर बी का जो है स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रिकेटर ए, ठीक है। क्रिकेटर ए का नेगेटिव आ रहा है ना, तो ऑफकोर्स इसका ज़्यादा स्क्यूनेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करेंगे इसके बाद, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करेंगे इसके बाद। तो हर तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस करने से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है, ठीक है। यहां पर आपको रेनफॉल दी हुई है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, और यहां पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड इसके बाद 15 सेंटीमीटर एंड देन 20 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास 8, 10, 5, 3, 3, 2, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें निकालना है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। पहले स्क्यूनेस निकालेंगे, स्क्यूनेस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था पहले भी, वो था Q3 plus Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्यूनेस। और इसके बाद कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालने के लिए Q3 plus Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन डिवाइड बाय Q3 minus Q1, ठीक है। तो Q3 का मतलब आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा एंड Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो बेटा करते हैं, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कितना कितना आता है। सबसे पहले हम करेंगे, क्या करना है, मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन पहले निकाल लेते हम लोग। मीडियन के लिए आपको करना पड़ता है एक कॉलम CF बनाना पड़ता है। CF के लिए 8 का 8 रखो, 8 प्लस 10 18 करो, 18 प्लस 5 कितना होता है 23 करो, 23 प्लस 3 कितना होगा 26 होगा, 26 प्लस 3 29 होगा, 29 प्लस 2 इज 31। इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है वो 31 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि Q1 कहाँ पर लाई करेगा, सॉरी मीडियन कहाँ पर लाई करेगा, मीडियन कहाँ पर लाई करेगा। तो मीडियन के लिए आप क्या करते हो, साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 31 में 1 ऐड करो 32 आएगा, 32 का हाफ करो 16 आएगा। 16 कहाँ पर लाई करता है, चेक करो 16 कहाँ पर लाई करता है, अब जल्दी बताओ, कमेंट करो बेटा फटाफट, 16 कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, बोलो बेटा, कम ऑन फास्ट बोलो। n प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 31 प्लस 1 अपॉन 2 32 अपॉन 2 16 लाई करेगा आपका, 16 लाई करेगा आपका, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें लाई करेगा बेटा 16, मतलब जस्ट बड़ा ले सकते हो सीएफ, उससे छोटा नहीं ले सकते, यानी कि आपका जो मीडियन है वो 6 हो गया, राइट, बिल्कुल सही, मीडियन इज 6, मीडियन कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद मीडियन हो चुका है, इसे हटा दो। अब करेंगे क्वार्टाइल 1, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे। क्वार्टाइल वन के लिए साइज ऑफ एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एन प्लस वन बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा, 31 प्लस 1 32, 32 बाय 4 8, 8 कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है। इसका मतलब 5 आपका क्या हो गया, Q1 हो गया, Q1 is 5। इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड क्वार्टाइल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। तो 3 into 8 24 लाई करता है। 9:30 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, बिल्कुल बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देख लूंगा, मेरे पास PDF पड़ा होगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो कर लेंगे। तो अभी देखो 24 लाई कहाँ करता है, यहाँ पर लाई करेगा, और इसका जो एक्स है वो 13 है, यानी कि ये क्या हो गया आपका Q3 हो गया, राइट, Q3 is 13। अब यहाँ पर स्क्यूनेस निकालेंगे, स्क्यूनेस इज Q3 plus Q1 minus 2 times median, ठीक है।
Q3 इज 13, Q1 इज 5, 2 टाइम्स मीडियन इज, मीडियन कितना था, मीडियन 6 था, तो 13 प्लस 5 18, 18 माइनस 12 6 इज स्क्यूनेस, राइट। इसके बाद निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो Q3 कितना है चेक करो, ये ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, ये चीज़ हमारे पास 6 आ रही है ना, 6 कर दो और नीचे आएगा Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 दैट इज 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 इज 8, 6 बाय 8 करना पड़ेगा, तो 6 को 8 से डिवाइड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 upon 4 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 0.75, सो 0.75 इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बिल्कुल सही। तो दिस इज द राइट आंसर बेटा, क्लियर। बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये डिस्क्रीट सीरीज थी, अभी कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन करेंगे और उसके अंदर बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे क्लास इंटरवल सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ आपको, सी आई लिखूंगा मैं सिर्फ, सी आई इज 0 to 199, इसके बाद 200 to 399, इसके बाद 400 से 599, 600 से 799 और उसके बाद 800 से लेकर के 999, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं आपको, क्या क्या दी हैं, 10, 13, 17, 42 एंड 18, दीज आर फ्रीक्वेंसीज। तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर, आपको करना है सीएफ जरूर करना पड़ता है बेटा, जब भी आप क्वार्टाइल निकाल रहे हो या मीडियन निकाल रहे हो तो आपको सीएफ निकालना पड़ेगा। सीएफ के लिए क्या करोगे, 10 का 10, उसके बाद 23, उसके बाद 40 आ जाएगा, 40 के बाद हमारा क्या आएगा 82, और 82 प्लस 18 कितना होता है 100 होता है, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100 बेसिकली। हाँ, आपको निकालना है मीडियन, तो मीडियन कैसे आता है मुझे बताओ फटाफट जल्दी से। यहाँ पर देखो कंटिन्यूस नहीं है तो इसे कंटिन्यूस बना भी सकते हो आप, बनाना पड़ेगा तो 199.5 कर दो, क्योंकि डिफरेंस 1 का है ना, 1 को 2 से डिवाइड करने पर 0.5 आता है, तो यहाँ पर 0.5 बढ़ाते जाएंगे सब में और लोअर लिमिट के अंदर 0.5 कम करते जाएंगे, यानी यहाँ पर 799.5 आएगा, यहाँ पर 599.5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 399.5, और यहाँ पर क्या आएगा 199.5, सो ऑन। तो हमने क्या किया, डेटा को 50th ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, 50th ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही, 50th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा, देखो ना 100 अपॉन 2 कर दिया, साइज ऑफ मीडियन कहाँ पर लाई करेगा, साइज ऑफ बच्चा बोल रहे साइज ऑफ 100 अपॉन 2 यानी 50th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लाई करेगा, इसमें लाई नहीं करेगा बिकॉज 40 इज लेस देन 50, तो आप 82 को कंसीडर करोगे, तो जहाँ पर 82 आ रहा है वो वाला क्लास आपका क्या होगा, दिस इज मीडियन क्लास, ठीक है, दिस इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, राइट, ठीक है, मीडियन क्लास, ओके। इसके बाद क्वार्टाइल क्लास भी निकाल लो फटाफट, 100 बाय 4 कर लो, 100 बाय 4 कितना होता है 25, क्वार्टाइल क्लास है ना, Q1 क्लास के लिए आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है 25, 25 कहाँ लाई करेगा, इसके अंदर लाई करेगा, तो दिस इज क्वार्टाइल क्लास। ये वाला क्लास कौन सा हो गया, Q1 क्लास, Q1 क्लास हमारा हो गया सेकेंड क्लास इंटरवल। इसके बाद निकालेंगे थर्ड क्वार्टाइल क्लास, तो 3 टाइम्स 100 बाय 4 तो कितना आएगा 75, 75 आपका यहीं पर लाई करेगा इसके अंदर, तो मीडियम क्लास इज ऑल्सो आवर थर्ड क्वार्टाइल क्लास। Q3 के लिए भी हम लोग ये वाला क्लास इंटरवल लेने वाले हैं,
हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, सही बोल रहे बिल्कुल। अभी क्या करेंगे, सारी वैल्यूज बहुत ध्यान से निकालनी है, यहाँ पर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा बेटा बाउलेस के अंदर, क्योंकि क्वार्टाइल्स निकालने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर ध्यान से करना, आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो। तो पहले निकालेंगे मीडियन, पहले मीडियन निकालेंगे हम लोग। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच, ठीक है। साइज सी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, सी भी बोल दो, कोई बात नहीं, सी बोल देते हैं। तो एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज वॉट 599.5, तो यहाँ पर 599.5 लिखेंगे। एन बाय टू इज 100 बाय टू, 100 बाय टू इज 50। एंड वॉट इज सी एफ, कैन यू टेल मी वॉट इज सी एफ, सी एफ क्या होगा जल्दी से कमेंट करो बेटा, सी एफ कौन सा लेंगे। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सी एफ 82 लिखें या फिर 40 लिखें, जल्दी बोलो बेटा सी एफ कौन सा लेना पड़ेगा, सी एफ कौन सा लेना पड़ेगा। तो मैं बता देता आपको, सी एफ के लिए आप क्या करोगे, जो क्लास आपका मीडियम क्लास है ना, उससे प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी है, उससे प्रीवियस वाला सी एफ लेंगे, यानी 40 लेंगे, तो 40 यहाँ पर रख देंगे। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास दैट इज 42 रखेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा आप। इनटू साइज इज 200, ठीक है। तो 599.5 प्लस 10 अपॉन 42 इनटू 200, कुछ भी नहीं कटता इसके अंदर, तो 599.5 प्लस 2000 अपॉन 42, 2000 को 42 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 599 ऐड कर देंगे, तो आपका बेटा आंसर जो है वो कैसा रहेगा, 647.12। दिस इज योर मीडियन, तो मैं लिख देता हूँ मीडियन कितना आएगा, मीडियन इज, आप कैलकुलेशन कर लेना, इट इज 647.12, दिस इज मीडियन, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, है ना, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, 647.12 बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छा निकाला है। तो इसके बाद हम करेंगे क्वार्टाइल, है ना। क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैं Q1 निकाल रहा हूँ पहले, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग मीडियन, मीडियन निकाल चुके हम लोग, Q1 निकालेंगे, यहाँ पर कर देंगे 4, बाकी सब सेम है बेटा, बाकी सब सेम है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्वार्टाइल क्लास कौन सा आपका, क्वार्टाइल क्लास ये वाला है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट इसकी क्या है, 199.5 प्लस n बाय 4 कितना है, n बाय 4 इज 25, तो यहाँ पर 25 एंड सी एफ क्या होगा, सी एफ आपका होगा 10 बेटा, उससे प्रीवियस वाला, तो 10 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 13 है, 13 लिखेंगे। इनटू साइज बेटा आपको पता ही है, साइज 200 का था शायद से, हाँ 200 का साइज है बिल्कुल, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, 199.5 प्लस 25 माइनस 10 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 15, 15 इंटू 200 बाय 13, तो ये हो गया 199.5 प्लस 3000 अपॉन 13, 3000 को 13 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट कितना आएगा, जल्दी करो, 3000 को 13 से डिवाइड करना, सिंपली जल्दी से करो बेटा, कैलकुलेटर पर कर सकते हो, कौन सी मिस्टेक बेटा, कहाँ पर मिस्टेक हुई, जल्दी बताओ, शाबाश जल्दी बताओ, शाबाश, अगर आप मिस्टेक बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हुई क्या, इसके अंदर क्वार्टाइल के अंदर, 25th ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन 24th ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन 400 से, एक सेकेंड, 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करता है, हाँ बेटा वही तो लिया मैंने, वही लिया बेटा, वही लिया मैंने, अच्छा, ओके, गॉट इट। तो क्वार्टाइल वन क्लास जो है ना, वो ये ना हो करके बच्चे ने करेक्ट कराया मुझे, वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, अब ध्यान से पढ़ते हो, क्वार्टाइल वन क्लास आपकी ये वाली होगी, है ना, ये वाली होगी, गलती से हो गई, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट 399.5 लेंगे हम लोग, 399.5, इसके बाद n बाय 4 25 रहेगा, लेकिन सी एफ जो है ना, सी एफ 23 बन जाएगा, ये 23 बन गया, फ्रीक्वेंसी 17 बन जाएगा,
तो इस मिस्टेक को बेटा ठीक करो फटाफट, कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ नहीं करना। देखो 399.5 प्लस 2/17 इंटू 200, तो 399.5 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 17। 400 को 17 से डिवाइड करो, मैं कर लेता हूँ आपके सामने, देखो 400 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 2 = 34, इसके बाद 17 3 = 51, इसके बाद 17 5 = 85, और इसके बाद 17 2 = 34। तो बेटा आपने किया, वेरी गुड, आपने कर भी लिया, तो 399.5 प्लस 23.52, 399.5 प्लस 23.52 हम लोग ऐड करते हैं, 423.02 है मेरा, 423.02 या 03 अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा। दिस इज क्वार्टाइल, Q1 आपका आ गया, Q1 आपका आ गया 423.02, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल भी हम लोग निकालने वाले हैं। थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे, यहाँ Q3 लिखो, यहाँ पर 3n/4 करो, इसके बाद आप बताओ थर्ड क्वार्टाइल क्लास कौन सा वाला क्लास है, थर्ड क्वार्टाइल क्लास बेटा कौन सा वाला क्लास है, एक बार देख के बताओ। ये रहा थर्ड क्वार्टाइल 599, ये आ गया 599.5 प्लस 3n/4 कितना होता है, 3n/4 इज 75, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 40, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 42, आप लोग चेक करते जाओ, इनटू ये आपका हो जाएगा 200, ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने डाल दिया, इसके बाद कितना बेटा 599, हाँ बिल्कुल सही, तो 599.5 प्लस 75 माइनस 40 कितना होता है, इट इज 35 by 42 इंटू 200 करेंगे, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, 599.5 प्लस 7000 डिवाइड बाय 42, एक बार 7000 को 42 से डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना आता है, करो बेटा 7000 को 42 से डिवाइड करो कितना आता है, 7000 को 42 से डिवाइड करना है, किससे इंटू करूं ताकि 380 के आसपास आ जाए। अच्छा कर लिया आपने, कर लिया बेटा आपने 166 पॉइंट कितना 166 पॉइंट 766.17, ओके बेटा 766.17 आपने मुझे ये कमेंट किया, ओके बेटा, तो Q3 आपका आ गया 766.17। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग निकालेंगे बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउलेस कोएफिशिएंट स्क्यूनेस के लिए, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि जे, वो क्या होता है फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले उसके बाद करना है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्यूनेस कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू बाउलेस प्रिंसिपल, है ना। Q3 कितना है, Q3 आपका 766.17 है, Q1 आपका है 423.02, टू टाइम्स मीडियन इसका डबल कर देंगे, 647.12 का डबल करने पर कितना आता है देखते हैं, 1294.12
1294 है ना, 1294.24 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 यानी 766.17 माइनस 423.02 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 343.64 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो कैलकुलेट कर लेना बेटा, इसको कैलकुलेटर पर कर सकते हैं पूरा। तो पूरी वर्किंग करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, आप शायद कर रहे हो, मुझे बताओ करने पर क्या आएगा। कैलकुलेशन बेटा आप कर सकते हो, तो इट इज़ देख लो करके बेटा कितना आ रहा है, मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका आंसर। फिलहाल इसको कैलकुलेटर पर करके बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका, मैं भी कर लेता हूँ। -0.31 बिल्कुल सही बेटा, -0.31 इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय द बाउलेस कोएफिशिएंट मेथड है ना। तो आराम से कर लिया हमने, ओके बेटा। तो अभी तक आपको कोई भी शायद डाउट नहीं आया है, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो क्लासेस है ना डिफरेंस दिया होता है, क्लास का डिफरेंस अलग अलग होता है ना, तो उस केस में हमें बाउलेस से ही करना होगा, ऐसा भी होता है मेरे ख्याल से, देखता हूँ। नहीं वो क्वेश्चन में बोला होगा, अब क्वेश्चन में कह दिया होगा कि किससे करना है, किस मेथड से करना है, बाउलेस से करना है फिर कार्ल पियर्सन से करना है, तो दोनों ही मेथड आपको शायद आते हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए बट और कोई डाउट आपको है तो बताओ मुझे, शाबाश जल्दी से बताओ। और कोई डाउट, है सेक्शन एफ में डाउट है, ओके सेक्शन एफ के लिए मैं एक सेकंड बेटा निकालता हूं, सेक्शन एफ निकालना है मुझे है, बेटा पेज नंबर बताओ क्या है, पेज नंबर 212, वेरी गुड 212, पेज नंबर 212, एक सेकेंड 212, यस हाँ। क्या डाउट बेटा इसके अंदर, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो इसके अंदर बेटा, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, पेज नंबर 212 के अंदर किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, सेकेंड क्वेश्चन 212 पर तो नहीं बेटा, सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ, 213 आ गया, एक्सरसाइज 5 की बात कर रहे हो क्या, एक्सरसाइज नंबर 5 की बात कर रहे हो क्या, सेक्शन ए में सेकेंड क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हो क्या, पेज नंबर कौन सा बताया बेटा, 212, एक सेकेंड रुको 212 पे आ रहा हूँ, रुक जाओ पेज नंबर 212 पे आ रहा हूँ बेटा रुको, हाँ सेक्शन एफ मिल गया, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो, द डेली टेम्परेचर ऑफ ए सिटी, ये क्वेश्चन बोल रहे हो, डेली टेम्परेचर वाला क्वेश्चन बोल रहे हो, बेटा क्वेश्चन है द डेली टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इन द ईयर 2014 इज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, यस ओके, इस क्वेश्चन में क्या डाउट आपको आ रहा है, फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, आपको मिड वैल्यूज दी हुई हैं एंड नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, करते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ तो मिड वैल्यूज हैं, मतलब एक्स आई ले लेते हैं, एक्स आई आपको दिया हुआ है माइनस 5, देन 5, देन 12, देन इसके बाद है 18 और फिर 25, ये आपको एक्स आई की वैल्यूज दी हुई हैं,
फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं 25, 35, फ्रीक्वेंसीज हैं 25, 35 और उसके बाद है 105, 105, 125 और फिर बेटा 75, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज ये जो लिखी मैंने यही फ्रीक्वेंसीज हैं। एक सेकंड वापस चैनल पर चलते हैं। हाँ बेटा एक सेकंड, पहले इस क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई डाउट नहीं। तो अपने डाउट्स को बेटा क्लियर कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मुझे। करते हैं बेटा, एक सेकंड रुको, करते हैं। तो डेटा हमारे पास है, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है आपको। ऐसे क्वेश्चन है ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट स्क्यूनेस निकालना है, तो वो क्या होता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्वेश्चन है ना। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं हम लोग। पहले मीन निकाल लेते हैं, पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए हम एक काम करते हैं, एफ एक्स कर लेते हैं, सिंपली एफ एक्स आई कर लेते हैं विदाउट यूजिंग शॉर्टकट मेथड, डायरेक्टली करते हैं। 25, 5 is 125, फिर इसके बाद 35, 5 is 175, 105, 12 is 1260, 125, 18 is 125, 18 is, चेक करते हैं कितना आता है, ये 1000 आ गया और ये 125 आपका आ गया, 0522, 2250, ये आपका आ गया 2250, 2250, 75 into 25 करेंगे, 75 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 5 is 125, 25, 7 is 175, 175 plus 12, तो आपका 1875, दिस इज 1875। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मीन निकालूंगा। मीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो आप जल्दी से करके बताओ सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है। देखो हम करेंगे पहले प्लस के आइटम्स ले लेते हैं, 175, 1260, 2250, 1875, इन सबको ऐड कर लेते हैं। आया इसमें से 125 माइनस कर लेंगे, 125 माइनस कर लेंगे तो आप मेरे ख्याल से बता रहे हो मुझे 5435। कमेंट पढ़ता हूँ बेटा, 5435 केशव, वेरी गुड बेटा, 5435 इज द टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये आपने बहुत ही अच्छा बताया मुझे। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिग्मा एफ आई करना है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे। यहाँ पर आपका 5435 आ चुका है सिग्मा एफ आई, इसको भी टोटल करेंगे। मुझे जल्दी बताओ कि इसका टोटल करने पर कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, क्या बोला बेटा, कुछ समझ नहीं आया, फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना आ रहा है, कर लेते हैं। थ्री सिक्सटी फाइव इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो 5435 को 365 से डिवाइड करो और मुझे बताओ डिवाइड करने पर कितना आ रहा है। शाबाश, जल्दी करो बेटा, फटाफट फटाफट करो बेटा, फटाफट। जब मैं 5435 को 365 से डिवाइड करूंगा तो मेरा मीन कितना आएगा, ये मुझे बता दो एक बार ताकि मैं बाद में इन वैल्यूज को सीधा, 8.559 ये आया, 8.559, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे मोड, है ना, मोड निकालेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहां पर मुझे दिखाई पड़ रहा है 125 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी का रिलेटिव एक्स जो है 18 है, तो 18 इज द मोड, तो मोड इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसके बाद मैं निकालने वाला हूं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डिविजन के लिए आपको डीआई निकालना पड़ेगा, उसी से स्टैंडर्ड डिविजन निकलता है। तो डीआई के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन मैं 12 रख लेता हूँ, है ना, 12 रख लेता हूँ। तो देखो माइनस फाइव, बिकॉज ये एक्स आई है, माइनस फाइव माइनस 12 इज माइनस 17, ठीक है, दिस इज ए। तो माइनस फाइव माइनस 12 इज माइनस 17, इसके बाद 5 माइनस 12 इज माइनस 7, 12 माइनस 12 इज 0, ठीक है, इसके बाद 18 माइनस 12 इज 6, 25 माइनस 12 इज 13। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ डीआई। इसके बाद क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा व्हाट, डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा, नहीं एक मिनट, ये एफ भी है ना, फ्रीक्वेंसी भी होता है इसके अंदर, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर मैंने निकाला नहीं अभी तक, है ना, एफ डी स्क्वायर नहीं निकाला अभी तक, ठीक है ना, एफ डी स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ साइड लिखता हूँ थोड़ा सा, मीन है 8.559 एंड मोड है 18, तो यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे करना पड़ेगा FIDI का कॉलम बनाऊंगा, तो ये आएगा 17 को 125 से मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप FIDI से भी कर सकते हो और सिंपली FX से भी कर सकते हो, बट FX थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको FD अपॉन N चाहिए ना, तो FD वाला कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। तो FD करते हैं, 25 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 425 आया, है ना, फिर 35 को 7 से करेंगे, 175, है ना, नहीं 245, फिर इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 125 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा, 75 को 13 से इंटू करेंगे 975 आएगा, राइट। तो मैंने वैल्यूज निकाली, इसके बाद क्या करूंगा, मैं FIDI वाले कॉलम को ऐड करने वाला हूं, तो ऐड करके बताओ कितना आएगा, पहले इनको ऐड कर लो, तो इनको ऐड करने से आपका क्या आएगा, चेक करते हैं, 425 और 245 को पहले ऐड कर लो, तो ये 670 आ गया, दिस इज माइनस 670, ठीक है। इसके बाद इनको भी ऐड कर लो, ये कितना आएगा, 1725, तो 1725 में से अगर मैं 670 माइनस करूं तो कितना आएगा, 1055, तो 1055 डिवाइडेड बाय एन इज 365 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बिल्कुल ठीक बेटा, सिग्मा FD स्क्वायर करना पड़ेगा, FD स्क्वायर के लिए मुझे FIDI को DI से इंटू करना पड़ेगा, थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है बट कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। तो मुझे करना पड़ेगा FIDI का स्क्वायर करना है, तो इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 425 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 425 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7225, तो फर्स्ट एंट्री आई 7225, सेकंड एंट्री चेक करते हैं, इसको इससे इंटू करना है, कर लेते हैं, 245 को 7 से इंटू करेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, 0000, 75 को 6 से इंटू करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 4500, और इसके बाद 13 को 975 से मल्टीप्लाई करेंगे, 975 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन टू सिक्स सेवन फाइव इस पूरे कॉलम को ऐड करके बताओ बेटा कितना आपका आ रहा है, कितना आ रहा है ऐड करके, चेक करेंगे,
आप भी ऐड कर लो बेटा, फटाफट ऐड करो। एफ आई डी आई स्क्वायर वाला कॉलम ऐड करेंगे और देखते हैं कि ऐड करने से कितना आता है। हाँ, मेरे पास ये वैल्यूज है एफ आई डी आई स्क्वायर के अंदर, इन सबको ऐड करना है, बहुत ही केयरफुली ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से 26115 24515, एक सेकेंड बेटा इसको कर ही लेते हैं अच्छे से, 7225 1715, फिर 4500, फिर 12675, बहुत ही केयरफुली। बेटा 26115 आ रहा है मेरा, आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना, 26115। अब इस पूरे कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर पर करके देखो बेटा, 26115 को 365 से डिवाइड करो, उसके बाद 1055 को 365 से डिवाइड करो, जो आएगा स्क्वायर स्क्वायर करो, अब मुझे बताओ आपका कंप्लीट आंसर क्या आ रहा है। शाबाश, मुझे बताओ आपका कंप्लीट आंसर क्या आने वाला है। पूरा कर लिया बेटा, एक बार चेक करो, पूरा कर लिया आपने अच्छे से। तो सेक्शन एफ के अंदर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सेकंड कर रहे हैं। कर लिया बेटा, क्या आंसर आया बेटा केशव, बताओ क्या आंसर आया आपका। 8.354, पूरा फुल कैलकुलेशन कर ली, 8.354। मुझे बताओ कि आंसर सही है या नहीं है, 8.354 इज द आंसर करेक्ट और नॉट, 8.354 चेक करके देखो बेटा आंसर इज करेक्ट और नॉट, बुक पे चेक कर लो 8.354 जो आपने निकाला है क्या वो आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है, एक बार चेक कर लो 8.354। फाइनल आंसर इज 7.948। तो आई थिंक कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो सकती है, बट करने का मेथड बेटा यही है, एक बार खुद करना, देखना कहां पर एरर हुई है, छोटी कहीं मिस्टेक हो गई होगी, बट मेथड इज सेम। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, है ना। हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं पर फिगर्स आसपास आगे पीछे हो गई हो, बट बेटा मेथड इज सेम, आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। दैट्स ऑल बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसके बाद। ओके बेटा, तो वाइंड अप करें बेटा आज का लाइव। हाँ लास्ट बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन लास्ट वाला, विच क्वेश्चन इज योर लास्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी में से कुछ इंपॉर्टेंट देखता हूँ बेटा, सेक्शन सी में से कौन सा इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। सेक्शन सी है कहाँ पर बेटा, पेज में बोलना केशव बेटा, पेज नंबर विच सेक्शन सी में से, ये तो एफ था ना, ई इसके बाद ये सी, हाँ अच्छा अच्छा ये बोल रहे हो, एफ ए फ्रीक्वेंसी, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, थियोरेटिकल पार्ट है बेटा, इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट है। है ना, थ्योरी वाला पार्ट है इसके अंदर ज्यादातर। एट्थ क्वेश्चन बेटा कर सकते हो। द मीन ऑफ ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंड बेटा रुको,
को वेट अ सेकेंड, मीन ऑफ ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला बोल रहा हूँ मेरा, एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3. इफ इट्स कोएफिशिएंट स्क्यूनेस इज 0.75, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन मीडियन से 3 ज्यादा है बेटा, इसने बोला हुआ है. मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, दैट सीम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मुझे लग रहा है ऐसा कि वो इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ एक बार. द मीन ऑफ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3. डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3. ऐसा इसने फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है. द मीन ऑफ ए स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.75. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.75, ठीक है. और पूछा क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा, ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो. ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसके अंदर. छोटे छोटे सम में मार्क कट रहे हैं. ओके बेटा, ये क्वेश्चन छोटा ही है, आप थोड़ा ध्यान से देखो. मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3, ठीक है. कोएफिशिएंट स्क्यूनेस इज 0.75, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो उसको, कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो. देखो मीन जो है ना, मीन मीडियन से 3 ज्यादा है, मीडियन प्लस 3, एक तो ये चीज दी हुई है इसके अंदर. कोएफिशिएंट स्क्यूनेस आपको दिया हुआ है, जे दिया हुआ है इसके अंदर 0.75. फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो एक बार ट्राई कर लो, कैसे करोगे. एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा, करते हैं स्टार्ट. कैसे करेंगे बेटा बताओ, कुछ आइडिया है तो बोल सकते हो आप. आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी आपको आइडिया लगता है तो. मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3, मतलब कि हमें एक चीज मालूम पड़ गई, मीन मीडियन मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3. मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3, वो यहीं से आ गया, ठीक है. इसके बाद कोएफिशिएंट स्क्यूनेस इज 0.75, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला बताओ बेटा पहले. कोएफिशिएंट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज मीन माइनस मोड
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जे इज 0.75. मीन कितना दिया हुआ है? मीन आपको 3 प्लस मीडियन दिया हुआ है. तो कैसे रखें इसके अंदर? इसमें रख सकते हो क्या? 0.75 इज इक्वल टू मीन की जगह 3 प्लस मीडियन लिख देते हैं. चलो, बट इसमें मोड तो दिया ही नहीं आपको, मोड दिया ही नहीं बेटा, कैसे क्वेश्चन हो पाएगा? बाउलेस वाले से करें तो हाँ, बाउलेस से ट्राई कर सकते हैं उसको, बाउलेस से ट्राई कर सकते हैं बेटा, शायद से बाउलेस से हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे. इससे नहीं हो पा रहा. बाउले में क्या होता है, एस के इज इक्वल टू, एस के नहीं, जे लिख देते हैं सीधा. जे इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1. अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा. मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 3. यहाँ पर मेरे पास मीन तो है ही नहीं, j पता है सिर्फ, है ना, कोएफिशिएंट स्क्यूनेस j पता है 0.75, ठीक है. और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से लेके आएंगे? इस फॉर्मूले के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता बेटा, है ना. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एग्जाम में, हम लोग पास टाइम इतना नहीं बेटा छोटे क्वेश्चन भी कर सकें, तो आज सिंगल लाइन में इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बेटा, बहुत मुश्किल है करना. अगर टाइम होता बेटा फिर अच्छे से डिटेल भी करते हम लोग. तो मेरे ख्याल से बेटा वाइंड अप करते हैं आज का लाइव, है ना. तो नेक्स्ट टाइम बेटा टाइम से रखेंगे, कि कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए हम लोग ज़्यादा क्लासेस नहीं कर पाए इसके लिए. तो नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे कि ज़्यादा क्लासेस हो जाएं. हाँ देखता हूँ बेटा, को सेक्शन डी में कोई अच्छा दिखता है बताता हूँ आपको. सेक्शन डी में से कोई अच्छा दिखे तो बताता हूँ आपको. आप ये फिफ्थ सिक्स वगैरह कर लेना बेटा, फिफ्थ सिक्स कर सकते हो, पाँचवा छठा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है बेटा. आप खुद करो बेटा, काफ़ी टाइम हो गया. तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बेटा मेरे ख्याल से हम लोग क्या शुरू करें बताओ, क्या करें शुरू, थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छा रहेगा. मेरे ख्याल से परमुटेशन कर लेंगे बेटा, है ना, परमुटेशन कर लेंगे, ठीक है बेटा. आज का लाइफ फिर वाइंड अप करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मिलेंगे बेटा. तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम बेटा, अच्छे से करना, ठीक है. चैप्टर सिक्स कर लेंगे बेटा, ठीक है. चैप्टर सिक्स करेंगे बेटा पक्का, श्योर. ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, सी यू बेटा, सी यू.